नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। आइए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर एक ओर तो सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को बीते दिन सुना, जिसके बाद प्रशासन पर सख्ती बरती। पहले दिन की सुनवाई में अदालत ने पीड़िता के परिवार की ओर से बयान दर्ज कराया, जिसके बाद अदालत ने यूपी प्रशासन की लापरवाही पर लताड़ लगाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 4 साल की एक मासूम बच्ची रेप का शिकार हुई है। वारदात थाना सासनी क्षेत्र के एक गांव की है। बताते हैं कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाला उसका ही 20 वर्षीय चचेरा भाई उसे टॉफी दिलाने के बाहर अपने घर ले गया, जहां उसने उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। हाथरस कांड में सीबीआई की जांच का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कई घंटे की जांच पड़ताल हो चुकी है। वहीं इस घटना के बहाने दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार 4 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों से आज प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में अनियमितता को लेकर चल रही चर्चाओं से राहुल गांधी नाखुश हैं। वहीं मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर कांग्रेस पार्टी का खंडन आया। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि राज्य के 3 शीर्ष नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, मदन मोहन झा और सदानंद सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। मंगलवार को चुनाव प्रचार में जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में LJP NDA गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इस मुद्दे पर कोई और भ्रम नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी के 15 नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के ये वो 15 नेता जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने टिकट नहीं दिया और वो पार्टी छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल से NDA उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हैदराबाद के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 लोगों की मौत तो बदलागुड़ा के मोहम्मदिया हिस्से में दीवार गिरने से हुई है। सड़कों पर जल भराव है और कुछ निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। बारिश ने राज्य सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी तनातनी के बीच जहां चीन लगातार बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय फौज भी तैयार खड़ी है। बिग बॉस 14 का एक अहम हिस्सा बन गई है राधे माँ। वैसे तो राधे माँ शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन उस घर में उनका आना जाना लगा रहेगा। उन्हें कई मौकों पर घर में एंट्री दी जाएगी, लेकिन राधे माँ का खुद को इस रियलिटी शो से जोड़ना अखाड़ा परिषद को रास नहीं आ रहा है और वो उनके सिद्धांतों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। IPL के 29वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की। चेन्नई ने हैदराबाद को 20 रनों से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 168 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन ही बना सकी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।